अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डीआरके मोबाइल यूट्यूब चैनल। हमारे पास सैमसंग का सेट है, सैमसंग M02। इसके अंदर FRP की प्रॉब्लम है, गूगल अकाउंट लगा हुआ है इसका। इसके अंदर गूगल अकाउंट लगा हुआ है, इसमें वाईफाई कनेक्ट करेंगे। हम इसके गूगल अकाउंट को बाईपास करेंगे। हमने एजी सैमसंग FRP टूल ओपन कर लिया, बाईपास FRP पर सेलेक्ट करेंगे, यस करेंगे। ओपन करेंगे, FRP FI file डॉट क्वेश्चन मार्क बाईपास ये लिखेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर दो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, बाईपास FRP 1.0 अलाउ करेंगे और दूसरी करेंगे गूगल अकाउंट मैनेजर 8910। ये दोनों डाउनलोड हो रहे हैं, डाउनलोड में जाएंगे, हिस्ट्री के अंदर जाएंगे, डाउनलोड हिस्ट्री, एट नाइन टेन एंड्रॉइड इसको इंस्टॉल करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, फॉर यूर सिक्योरिटी यूर फोन इज नॉट अलाउड टू द इंस्टॉल कैन नाउ ऐप दिस इज श्योर। ये इससे नहीं होगा। हम इसकी FRP को टूल ओपन करेंगे, इसकी FRP को वन क्लिक में FRP रिमूव करते हैं। टूल ओपन करेंगे, अनलॉक FRP सैमसंग अकाउंट, इसको अनलॉक करेंगे। पहले इसको लॉगिन करेंगे, अनलॉक FRP सैमसंग अनलॉक अकाउंट, ये बाईपास नहीं हुआ है। तो हम इसको टूल से इसकी FRP को रिमूव करेंगे, वन क्लिक के अंदर अनलॉक FRP सैमसंग अकाउंट, इस पर टिक करेंगे,
इंटरनेट कनेक्शन। दोबारा इसको करते हैं, अनलॉक FRP सेंसर। यह हमारा हमारी FRP अकाउंट सक्सेस हो चुकी है। मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट करेंगे। पहले ये ऑप्शन नहीं दे रहा था, अब इसकी FRP रिमूव हो गई है। तो ये इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। स्किप करेंगे, डोंट कॉपी, डू नॉट कॉपी, नेक्स्ट करेंगे। मोर पे जाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, स्किप करेंगे, स्किप एनी वाई करेंगे, के अंदर हाई सिक्योरिटी लगा हुआ था इसलिए ये बाईपास नहीं हुआ है, हमें टूल से करना पड़ा है। तो हमारी इसकी FRP रिमूव हो गई है। So thanks for watching, please like and share, subscribe to my channel.